आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रकांता है। हाँ, आप कहाँ काम करते हैं? मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम ठीक करती है। हूँ। और आप आयुर्वेदिक दवाई कब से ले रहे हैं, मैं अपने आयुर्वेदिक बारे में दवाई 5-6 साल से लेनी शुरू की थी, जब मुझे किडनी की प्रॉब्लम हुई थी। एक तो मुझे इंजेक्शन लगा था स्टेरॉइड का, उसने इंजेक्शन किया तो किडनी पे इफेक्ट किया, किडनी से मेरे सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट किया, हार्ट प्रॉब्लम सब कुछ हो गया। तो फिर मैं आयुर्वेद के साथ ही जुड़ी, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई से मुझे एक बार एलर्जी, तो उसके बाद मैं आयुर्वेदिक ही मैंने लिया, क्योंकि ये जड़ से अंदर से सारी बीमारियों को, उसका कॉज को खत्म कर देते हैं। तो कितनी देर तक आप कब से ले रहे हैं या अब नहीं, आपको उसके जरूरत बाद नहीं फिर है? मैं रेखी से जुड़ी, मैंने योगा किया, प्राणायाम करती थी सिंपल, अनुलोम विलोम, उससे मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। साथ साथ आयुर्वेदिक दवाई भी चलती थी, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं रहे, और अंदर से जड़ से बीमारी में अंदर से हीलिंग होती गई मेरी। पहले आपका वजन कितना था? मेरा वज़न इंजेक्शन लगने के बाद मेरा वज़न धीरे धीरे 33 kg हो गया था, 45 से 30 तक पहुंच गया था। तो उसके बाद अब मैं जैसे जैसे ये करती रही, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, इससे मेरा थोड़ा बढ़ा। फिर मैंने मुद्राएं की, हस्त मुद्राएं, उससे हस्त मेरा मुद्राएं में कौन सी मुद्रा ज्यादा की, ये दिखाएं? अच्छा, वाली इस कौन सी ये मुद्रा, प्राण मुद्रा जिसको बोलते प्राण हैं, मुद्रा, हाँ जी, मैं प्राण प्राण मुद्रा मुद्रा करती रही, इससे मेरा वज़न बढ़ता रहा। बढ़ा। अच्छा, और अपने एक ये वाली भी मुद्रा हाँ की जी, जिसमें इससे वज़न कि बढ़ता था, इससे और वजन इससे बढ़ता। मेरा ठीक है जो अंदर से इम्यूनिटी लेवल वो बढ़ता था मेरा। ठीक है, मतलब दोनों मुद्राएं करते हाँ रहे। जी, हाँ जी, और खाने पीने में भी आपने कोई खाने परहेज? पीने में हाँ, मैंने परहेज़ किया। मैंने जब आयुर्वेदिक मेडिसिन ली तो मैंने 2 साल मैंने नमक नहीं खाया बिल्कुल भी, अच्छा, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नमक ना नहीं, खाने से? नमक ना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर धीरे धीरे मैंने सेंधा नमक खाना शुरू किया फिर। ठीक है। और आप रेकी भी करते मैं रहे, रेकी भी करती आज रही तक हूँ, भी आप रेकी करते रहे? अभी मैं रेकी करती हूँ, ठीक है। अब मैं मेडिटेशन ज़्यादा करती हूँ, रेकी नहीं अभी। मेडिटेशन आप कैसे करते हैं? अब मैं ब्रह्मा कुमारी से संत जुड़ी हूँ, उनकी मेडिटेशन का प्रोसेस अच्छा, उसके साथ उसके है। रेकी और हाँ जी, ब्रह्म कुमारी के जो हाँ जी, मेडिटेशन, हाँ जी, मैंने उनसे दोनों को आपको मिक्स किया, बहुत हाँ फर्क उससे पड़ता मुझे है। काफ़ी फर्क और अब पड़ा। आपका वेट कितना है? अब मेरा वेट 43, 43, यानी हाँ जी, 10 किलो बढ़ गया। हाँ जी, और आपका इम्यूनिटी? इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ गया मेरा, अच्छा। और और मैं आप काम भी कुछ, करती हूँ, बहुत अच्छे से काम कर लेती आप हूँ। लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आयुर्वेद या स्पिरिचुअल हीलिंग से कैसे कैसे लोग ठीक होते हैं, उसके बारे में आप कुछ आप बोलना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे जिससे लोगों का फेथ बढ़े? हाँ जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन तो हमारी पुरानी चलती आ रही है, एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और बंदे के अंदर से बीमारी नहीं खत्म होती, ऊपर ऊपर से सब ठीक हो जाती है। आयुर्वेदिक में अंदर से ठीक करती है, और मेडिटेशन से तो आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ के जो कुछ भी कर पा सकते। सकती हो। तो आपको 4-5 सालों में आपको बहुत फर्क पड़ा, हाँ जी, और मतलब आप मेडिटेशन से मुझे 1 साल के अंदर ही काफ़ी फर्क पड़ गया, थैंक यू 6 महीने सो से मच, थैंक यू। दफा लंबा हो गया।